आज भी एक गाय की जानकारी दे रहा हूँ। ये सामने मेरी धेनु खड़ी हुई है, वो मेरे श्यामली चल रही है सामने, वो गंगा है। और परसों के दिन मंगलवार के रोज नवीन के पास में गांव से कोई गाय आ गई थी, वो गाय है ये सामने बन रही है, आज ये लेके आया हूँ इसको। कल बुधवार था तो बुधवार के दिन इसका पैसा दे दिया मैंने उसको, और आज ये पहली बार लेके आया हूँ इसको, तो इसलिए इसको बांध रखा। अभी खोलूंगा थोड़ी देर बाद में, इसका नाम क्या रखना वो रखूंगा, मेरे घोड़े की जैसे है ये, है ना। दो दिन तो ये क्या बीत रही थी और डर रही थी मेरे से, सींग मारती थी, लेकिन चारा वगैरह खिला के इसको, रोटी वगैरह गुड़ वगैरह खिला के इसको फ्रेजी बना ली उसको। अब इसका नाम रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल घोड़ा गाय है मेरे लिए, दूध तो दे नहीं दिए अभी, या तो ये नजर आ गई कि डोरे गंडे वगैरह बंधे हुए थे और या दवाई से के कारण हो रही है, तो बच्चा कोई ज़्यादा नहीं है बड़ा, बछड़ी तो नहीं है, बछड़ा है ये बैठा हुआ नीचे, लेकिन इसको भी मेरे को रखना ही है। अब आगे बताऊँगा इसका क्या करना है, ये इनके साथ ही रहेगा। चार गाय होगी मेरे पास और एक बछड़ा है, तो ये चलेगा मेरे साथ में। दिखाता हूँ इसको और वापस, अब ये कोई नजर आई हुई है दूध से या किसी, बिल्कुल ही दूध नहीं दे रही, इतना सा दूध दे रही है, हर पाँच मिनट में ये पी जाता है दूध को। इसको अभी खुला ही छोड़ रखा है इसके साथ में। बेटा क्या नाम रखो तेरा, नाम क्या रखना तेरा, है रे आई जब तो सींग मारी थी, लेकिन अब लाड़ प्यार करनी, जानवरों को कैसे सेट किया जाता है वो मेरे को आता है, इसलिए अब ये मेरी हो गई है, मेरे से ही लाड़ चाव करती है, सींग वगैरह नहीं मारती है। और बिल्कुल घोड़ा गाय है एकदम, ये किसी कारण से ये दूध देना बंद कर दिया, दवा से होगा तो इसको दवा से सही करूँगा, और कोई नज़र लग गई हो तो नज़र का ट्रीटमेंट भी आता है मेरे को, तो उसको भी सही कर दूँगा। तो ये फिलहाल दो ढाई किलो दूध तो दे ही देगी, इसका नाम क्या रखना वो देखूंगा, वो मेरी है ही। अब बरसों से मेरे क्या है कि उसकी माँ जो आई थी तब मेरा ये मूड था कि भाई गौशाला का प्रोग्राम बना था कि गौशाला बनाए, गाय गाय बहुत ज़्यादा परेशान घूमती है, तो उनके लिए वो हुई, उसके बाद में ये एक हो गई, उसके बाद में बच्ची हुई थी इसकी भी, तीन हो गई फिर ये, और यहाँ आया तो एक तो ही आते हैं, पहले मिल गई थी ये, तो चौथी गाय, तीसरी गाय ये हो गई थी, और चौथी अभी ये कल ले ली थी, ये हो गई और एक बैल हो जाएगा ये मेरे पास में। ई रिक्शा का पीछे का फाउंडेशन टायर का वो पूरा ट्यूब रखा हुआ है, तो जब ये बड़ा होगा तो इसके लिए बैल गाड़ी बनाते हैं, वैसे एक स्पेशल गाड़ी बनाऊंगा और उसको खिला पिला के बिल्कुल घोड़े की जैसे बना दूंगा, ताकि ये आराम से दौड़ सके, फिर सके, घूम सके, और आराम से इनके साथ में पल जाएगा भी, बच्चों को किसी के पास में नहीं आती बच्चे के, ये छाला अरे छाला साथ बैल वो होते हैं तो बछड़े होते हैं तो छोड़ देते हैं बछड़ों को, लेकिन मेरी ये बछड़ा मेरे पास ही रहेगा, ये ऐसे ऐसे घुंघरू घुंघरू बांध के गले में, ऐसे गले में घुंघरू बंधे रहेंगे, बड़ा होता जाएगा और खुराक इनके साथ साथ खिलाऊंगा, तो ये घोड़े के जैसे काम करेगा फिर ये, है ना। हाँ इसको नहीं छोड़ेंगे बेटा ना, साथ ही रखेंगे तेरे, तेरा जीव दुखता ना इसे, अरे अरे इसके पास जाते पहले तू भग दिए इधर किधर, इसको साथ ही रखेंगे। अभी आया जब से तीन दिन से दूध इसी का पी रहा है, पाँच मिनट में इसके बोबे के नीचे लग जाता है, अब इसको धीरे धीरे सेट करूँगा। आज ले पहली बार लेके आया हूँ इसको, बांध रखी है, अब खोलूँगा इसको, खाना वगैरह खा लिया था मैंने इसलिए, अब थोड़ा लेटा हुआ था, फिर अब उठाऊँ, अब इसको खोलूँगा तो उसको जैसे दो तीन दिन चक्कर लगा के इसको घुमाना सिखाया था, तो वो आराम से घूम रही है, वैसे ये भी इन्हीं के साथ साथ घूमना का काम कर लेगी। वो मैंने मेरा सेटअप रख रखा हुआ सोने का, आज कानू को लेके नहीं आया था, आज कानू को खाना वगैरह जिमा के नहला धुला के और घर पे सुलाया था। ये वही किशन बाग है जो आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरी गाय है, चारा वगैरह सब खिला के लिया था, टहल रही है खाली अभी है। वर्षा ऋतु में ये चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है, तो वर्षा ऋतु में फिर चारे की कमी नहीं रहेगी, हरा चारा भी खाएगी और बांट वगैरह
वो खादला वगैरह जो देते हैं वो घर पे देता हूँ इनको, घर पे खिला पिला के टन करता हूँ इनको। भगवान दे रहे हैं मेरे को इनको खिलाने पिलाने के लिए, तो मेरे पास में कोई कमी नहीं रहती इन जानवरों की, चाहे मेरे पास कैसी परेशानी हो, लेकिन इनका काम कहीं ना कहीं से चलता ही रहता है। अब खोल दिया है मैंने इसको, अभी एक दो दिन के इसको रफत दिखानी पड़ेगी। नहीं नहीं यही बिल्कुल बीच की है, लेकिन मेरे पास भी देखना दूर हो गया इसका, इसका पीछे का राठा दिखाऊँ देखो, बिल्कुल घोड़े की जैसे घोड़ी देख लो, ये देख लो इसको, बिल्कुल खड़ी नजर आती है। घूम लो बेटे, अब यहीं आओगे घूमने फिरने के लिए, अब तुम हाँ घूम लो आराम से घूमो। खोल दिया जरा रास्ता, वो देखो दूध उठा, दूध पीने लग गया। हर दो पांच मिनट में इसको दूध नहीं बन रहा, किलो दो किलो दूध आता बताया, लेकिन मेरे पास तो आई जब से यही देख रहा हूँ। रात को वो नवीन बांध गया था इसको इसके पास में खूंटे के, तो इसने उसका गले के पास में से रस्सा काट दिया गाय ने। सुबह उठ के देखा तो फ्री घूम रहा था। हाँ घूम लो बेटा, अब क्या कि नया नया है ना, तो ये इसको रास्ता बतलाना पड़ेगा। एक दो दिन की दिक्कत है, एक दो दिन बाद में खुद ही ऊपर रात नीचे आ जाया करेगी, चल जाएगी। जैसे उनको घर से खोल के लिया था और एक दो दिन उनको पकड़ के लाना पड़ा मेरे को, अब एक दो दिन इसका ऐसे ध्यान रखूंगा तो फिर ये आना जाना सीख जाएगी। अरे लंबी मत निकल जाना तू उधर, यही सर आसपास ही, कभी नहीं है ना तो भागने का डर रहेगा इसका, इसलिए खाना वगैरह खा लिया था। अब मैं वो मेरे वो लक्ष्मी मारने के लिए तैयार होती है आराम को। उधर आगे जाना पड़ेगा, लड़ना मत भाभी लक्ष्मी, तो दोनों दोनों लड़ने लग गए थे। हाँ चारा खा लो आराम से, अभी उसके पास मत जाना लक्ष्मी। देनू नया बेटा, दोस्ती करना, लड़ना मत दोनों। ये है हमारे मारू, उसको अभी बंदी को मारने के लिए चलेगी। अब चार बज गए, वो मेरे जाने की तैयारी करती, भगवान को चाय भी होना नहीं, घर पे जाके उठाना उनको। अब आज लेके जा रहा हूँ उसको, आज कुछ ही देर टहलाया। चलो बच्चों चले, छेर चले, चलो आ जाओ। अभी सब देख लो, सीख गई नहीं है, अब इनको पता चल गया भाई चलना है, तो ये रवाना की तैयारी कर ली, ऐसे इसको सिखाना पड़ेगा। आ जाओ चलो चलो आगे आगे चलो, देखें आ जा, अभी तो सीखा नहीं अभी तक। पीछे पीछे आ जाना तेन, चलो आती रहेंगे पीछे, पहले इसको ले जाके बांध देता हूँ। आ जाओ फुर्ती से आ जाओ, रोक रहा हूँ वीडियो के यहीं पे, चलो।